गाजीपुर नगर के विश्वेश्वरगंज पुलिस चौकी परिसर में स्थित यातायात कार्यालय पर गुरुवार को महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर यातायात प्रभारी प्रवीण यादव और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा 17 महिलाओं को हेलमेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में श्री यादव ने यातायात के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से बिना हेलमेट के बाइक न चलाएं, वाहन की रफ्तार का ध्यान रखें, मोड़ पर वाहन की रफ्तार धीमी रखें, जिससे किसी भी दुर्घटना के होने से बचा जा सके। इस दौरान महिलाओं को पावर हेल्पलाइन 1090, यूपी 112, हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 आदि नंबरों के संबंध में जानकारी दी गई। यातायात प्रभारी ने बताया कि इस अवसर पर 5 लाख का बीमा भी किया गया है। आइए सुनते हैं इस अवसर पर सदर क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला ने क्या कहा। देखिए, मिशन शक्ति जो प्रदेश भर में कार्यक्रम चल रहा है, इसके अंतर्गत ही अब विभिन्न प्रोग्राम्स आयोजित किए जा रहे हैं पूरे प्रदेश भर में महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए। तो ऐसा ही आज एक आयोजन था, इसमें जो स्कूली छात्राएं, कामकाजी महिलाएं, जो स्कूटी या मोटरसाइकिल भी जो चलाते हैं, उनको निःशुल्क हेलमेट बांटे गए। और इसमें ये गाजीपुर पुलिस ने, ये हेलमेट मैन है, इनके सहयोग से ये पूरा बांटा गया है हेलमेट। उसके साथ साथ 5 लाख का बीमा भी दिया गया उन्हें, एक्सीडेंटल बीमा। गाजीपुर में सर यातायात की समस्या भी होती है, डिवाइडर्स नहीं है, इसको लेकर क्या जिला प्रशासन का रुख है? इसके लिए हमने पत्राचार किया था अनुदान के लिए, सारी अपनी लिख कर मांगे कि ये हमें बैरियर के लिए, इसके लिए हमें चाहिए गए थे, और उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया ऊपर से, उसे हमें मिलाए गए थे। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नए नए बैरियर्स और पोलार्ड्स, इन सब का इस्तेमाल होकर जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू कर दिया जाए और अच्छा बना जाए। कार्यक्रम में सदर क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला, सदर कोतवाल विमल कुमार मिश्रा, शक्ति मोबाइल प्रभारी रेणु कुमारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मी मौजूद थे।